Assalamu alaikum everyone. Welcome to Saqafs channel. Today we are going to show you how to cook garlic chilli prawns. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्रॉन्स के लिए हमें पहले चिली गार्लिक सॉस रेडी कर लेना है. चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ये इंग्रेडिएंट्स. ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ड्राई रेड चिलीस, थर्टी टू थर्टी फाइव गार्लिक क्लोव्स, सॉल्ट टू टेस्ट, वन टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून शुगर, वन टेबल स्पून वेनेगर. हाफ एन आवर के लिए रेड चिलीज को वाटर में सोक कर रख लें. एक पैन में वन टेबल स्पून ऑयल गरम कर लहसुन ऐड कर लें. ब्लेंडर में सोक किए हुए रेड चिलीज को ऐड करना है. हमने जो गार्लिक को शैलो फ्राई किया था उसे भी हमें रेड चिलीज के साथ ऐड कर लेना है. Salt, sugar, vinegar add कर blend कर ले. ऑयल गरम होने के बाद हमने जो अभी रेड चिली पेस्ट ब्लेंड किया था उसे ऐड कर लें. अब हमें लो फ्लेम पर रेड चिली पेस्ट को कुक करना है. ब्लैक पेपर ऐड कर ले.
अभी हमारा सॉस रेडी नहीं हुआ है, ब्लैक पेपर मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख ले। अब हम प्रॉन्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रॉन्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगे ये इंग्रेडिएंट्स। 1 kg प्रॉन्स, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1 egg, 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, ऑयल, 2 tablespoon लेमन जूस। एक बोल में प्रॉन्स ले ले, सॉल्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, कॉर्नफ्लोर, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एग ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लें। प्रॉन्स को डीप फ्राई करने के लिए वोक में ऑयल गरम होने के लिए रख दें। ऑयल गरम होने के बाद इसमें प्रॉन्स ऐड कर लें। प्रॉन्स हमने फ्राई होने रख दिया है। प्रॉन्स के जो स्पाइसेस बचे हुए हैं हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। प्रॉन्स के बचे हुए स्पाइसेस में 1/2 cup वाटर ऐड करके चिली गार्लिक पेस्ट में ऐड कर लें। अब इसे लो फ्लेम पर सॉस की कंसिस्टेंसी आने तक कुक करें।